दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा आपके सामने डिसर्टेशन के बारे में कि डिसर्टेशन क्या होता है। डिसर्टेशन क्या होता है? डिसर्टेशंस एक प्रकार का रिसर्च पेपर होता है जिसको हिंदी में हम लघु शोध बोलते हैं। और जब हम LLM करते हैं तो उसमें एक जो पंचम प्रश्न पत्र होता है उसको डिसर्टेशन हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हमें उसके ऊपर रिसर्च करना होता है और वो रिसर्च करके हमें सबमिट करना होता है। ये थोड़ा टफ होता है, थोड़ा रिसर्च करना, अलग अलग जगह से कलेक्शन करना, या ऑनलाइन है या किसी भी रिसोर्स से आपको बुक से, तो आपको वो डिसर्टेशन बनाना होगा और फिर आपको फाइनल सबमिशन अपने विधि विभाग में सबमिट करना होता है। अगर आप उसको सबमिट कर देते हैं तो आपका LLM आप कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि डिसर्टेशन दिखता कैसा है। तो डिसर्टेशन आपको ऐसा दिखेगा। ये मैंने डिसर्टेशन बनाया है और मेरा टॉपिक था भारत में संगठित अपराध और विधि, एक आलोचनात्मक अध्ययन। सो आज मैंने अपना डिसर्टेशन सबमिट कर दिया है, इसलिए मुझे खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने आने वाले समय में, अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई में जब आप LLM करोगे तो इस प्रकार का डिसर्टेशन आपको भी बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाते हैं, उसके कैसे पेज सेटअप करते हैं, कैसे उसको बाइंडिंग करते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे आने वाले समय में। सो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम सब मिलके जिससे हो सके हम आपकी लोगों की पढ़ाई में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।